अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसार और आप सबका एक बार फिर से वेलकम है रुखसार फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा सेवई, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिश है। आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जर्दा सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सेवई लिया है और उसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से मावा लिया है, ये मैंने घर पर ही बनाया है, आप मार्केट वाला मावा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, जिसमें 4 लौंग है, 3 छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में थोड़े से किशमिश, थोड़े से गड़ी और काजू लिया है, और गड़ी और काजू को मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, जितना मैंने सेवई लिया है उसका आधा मैंने चीनी लिया है। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी ले लें। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है। गैस पर मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और जब कढ़ाई हमारा थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। कढ़ाई अब अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी डाल देंगे। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। घी अब मेल्ट हो गया है, यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, या आप मार्केट वाली जो घी आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें सारे साबुत गरम मसाले को डाल देंगे। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसमें मावा डाल देंगे और मावा को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मावा भी अब अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना मैंने सेवई लिया था उसका हम डबल पानी लेंगे। अब जितना सेवई लें उसका डबल पानी लें। अब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। और इसे अब हम अच्छे से मिला देंगे। पानी में जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अपने सेवई को डालेंगे। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इसमें हम अपने सेवई को डाल लेंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम ही रहने दें। अब हम मीडियम फ्लेम पे ही सेवई को पकाएंगे अच्छे से। जब सेवई अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए सारा पानी इसका सूख गया है और सेवई भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। और चीनी डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम अब मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम ही हम अभी रहने देंगे। चीनी को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही छोड़ देंगे, जिससे कि चीनी सारा अच्छे से सेवई में मेल्ट होके मिल जाए। अब 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोलकर देखा है, ये अब अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा मावा बचा कर रखा था, उसे हम ऐसे डाल देंगे। मावा मैंने इसके ऊपर सजा दिया है, अब हम इसके ऊपर चेरी सजाएंगे। मैंने चेरी को बीच बीच से काट लिया है, अब हम इसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे सजा लेंगे।
चेरी भी मैंने इसके ऊपर सजा दिया है। अब हम इसके ऊपर बीच में थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता रख देंगे। पिस्ता भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और इसे ज़रूर बनाकर खाएं। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये डिश अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।